राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्रा संघ चुनाव में विजयी हुए एबीवीपी के पैनल के पदाधिकारियों ने सोमवार को कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक विजयी जुलूस निकाला। जीजीसीए छात्रा संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शीला चौधरी, उपाध्यक्ष आयुषी महेश्वरी, महासचिव निकिता कश्यप, संयुक्त सचिव रेखा गोस्वामी सहित सैकड़ों छात्राएं ढोल की थाप पर नाचते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। छात्राओं के सामूहिक नृत्य को देखने सड़क पर हुजूम लग गया। विजयी छात्राओं ने बताया कि उनका पहला कर्तव्य कॉलेज के मुख्य द्वार पर लगे साइन बोर्ड को बदलवाने का रहेगा। उसके बाद कॉलेज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही छात्राओं को आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी मिलकर कराया जाएगा। बहुमतों से हुई है, बहुत अच्छे बहुमत से, बिना विवाद की हुई है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि हमारा पूरा पैनल एबीवीपी का निकला है। और सबसे पहले तो कॉलेज का एक सर्वप्रथम काम है कि है ना राजकीय कन्या महाविद्यालय उसके मेन गेट पे लिखवाना है, सावित्री लिखा हुआ है, जो कि जिससे है ना लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो ये काम करना है और गांव की लड़कियों के लिए जो उनके टेम्पो वगैरह की व्यवस्था है उनकी कम करवाना है रेट, और भी विकास के कार्य, जो हॉल वगैरह हमारा सुधरवाना है हमें, ऐसे करके काफ़ी गर्ल्स के लिए, छात्र संघ के लिए, जो छात्राओं के लिए हो सकेगा हमारे लिए वो हम करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सभी गर्ल्स ने मुझ पर विश्वास किया, भारी मतों से मुझे विजयी जीत दिलवाई और मैं इनके हित में कार्य करना चाहती हूँ। कॉलेज में जो भी कमियाँ उन्हें पूरा करना चाहती हूँ, उनका विकास कॉलेज में विकास करवाना चाहती हूँ। जैसे एनसीसी हमारे कॉलेज से बंद हो चुकी है तो उसे चालू करवाना चाहती हूँ। और दूसरा कि हमारे कॉलेज को सभी गर्ल्स अलग अलग नाम से जानती है, जैसे आधी गर्ल्स सावित्री से और आधी गर्ल्स राजकीय। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सभी गर्ल्स इसे एक ही नाम से जाने, राजकीय कन्या महाविद्यालय। दूसरा, हमारी कॉलेज में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, उनकी समस्याओं को सामने रखना चाहती हूँ।